गैंगस्टर योद्धा ने जज से कहा, बुड़ैल जेल में काली शूटर से जान का खतरा। गैंगस्टर जोधा सिंह उर्फ योद्धा सिंह और उसके साथी अमरीक सिंह ने बुड़ैल जेल में अपनी जान को खतरा बताया है। लूट ऑफ आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जज से कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी रविंदर उर्फ काली शूटर के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है और वह उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने योद्धा सिंह और अमरीक को जमानत दे दी। गैंगस्टर योद्धा ने जज से कहा कि काली शूटर से उसका बुड़ैल जेल में पहले एक बार झगड़ा हुआ था। इसके बाद काली को बठिंडा जेल शिफ्ट कर दिया गया था। काली शूटर ने बीमारी का हवाला देते हुए बठिंडा से चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर उसे वापस बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। काली शूटर पर चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि वह 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को जेल से भागने में मदद करने के मामले में भी वह दोषी है। काली की योद्धा से पुरानी दुश्मनी को देखते हुए जिला अदालत ने बुड़ैल जेल सुपरिंटेंडेंट को योद्धा और अमरीक की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। अमरीक और योद्धा सिंह ने 2 साल पहले जमानत अर्जी लगाई थी। दोनों बीते 6 साल से जेल में बंद हैं। जज ने दोनों को इतने साल तक जेल में रहने की वजह से जमानत दे दी। अपहरण और लूट के मामले में हुए थे गिरफ्तार। वर्ष 2008 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने गरम धर्म रेस्टोरेंट के असिस्टेंट मैनेजर सुरिंदर सिंह ने शिकायत पर योद्धा और अमरीक को गिरफ्तार किया था। सुरिंदर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 फरवरी 2018 को रात 12:30 बजे वह बाइक पर घर जा रहे थे, तभी एक सफेद रंग की कार उनके करीब आई। कार सवार दो युवकों ने उन्हें रोका और मारपीट करने लगे। उन्होंने उनसे 10,700 रुपये छीन लिए और उन्हें अपनी कार में बिठाकर खरड़ ले गए। वहां एक एटीएम में जाकर उनसे अपने कार्ड से रुपए निकालकर उन्हें देने के लिए कहा, लेकिन सुरिंदर के अकाउंट में महज 60 रुपए ही थे। इसके बाद दोनों आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे।